जैसे आप मेरी वाइफ स्टार्ट कर रही है या कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, आपके घर पे कोई स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने हस्बैंड को भेजे, हस्बैंड ने अपने दोस्तों को फोटो में भेजी, हाँ जी, रात को वो अपने वाइफ को दिखाते हैं जी, फिर वही बोलती है इनमें से ये कलर मंगवा दो जी, सुबह भैया जा रहे हैं, भैया को टिफिन दे रहे हो आप, हाँ जी, टिफिन के साथ में अपनी चार कुर्तियां भी डाल दीजिए जी। तो इस तरीके अभी से इसमें लगा क्या साहब जी, इसमें लगा क्या, कुछ नहीं लगा, यानी भैया जा रहे हैं ऑफिस ड्यूटी पे, आपने उनको फोटो में भेजी, भैया ने दोस्तों को भेजी, हाँ जी, और दोस्तों ने रात को अपनी वाइफ को दिखा के उनमें से चार पांच सिलेक्शन की, बोले सुबह ये पीस लेके आना, हाँ जी, और भैया के साथ में पांच पीस टिफिन में डाल दिए जी, शाम के अपने 1000 रुपए खड़े हो गए। बाकी जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको भी मैं कुछ ना कुछ अपने कुछ अच्छे मैसेज आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन बहुत स्कोप है इस लाइन की, आपको पता भी नहीं चलता है, आप रात को एक पिक्चर अपनी फेसबुक पे अपलोड करते हैं, सुबह हजारों लोग उस पिक्चर को देखते हैं और लाइक करते हैं, सिर्फ आपका मुश्किल से 1 मिनट का वो काम होता है जो आप वो काम करते हैं, और आपको हजारों लाखों लोग फेसबुक पे देख लेते हैं। ऐसे आप इस बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, आप इस बिजनेस में अगर अपना पूरा अगर आप तरीके से काम करते हैं, अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, अगर आप दिमाग से काम करते हैं, स्मार्ट अगर आप वर्क करते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है जी, और एक बिजनेसमैन जो सारा दिन एसी में बैठ के कुर्सी पे वो भी मेहनत करता है। हेलो व्यूवर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब, हेमंत जोन लाइफस्टाइल देखने वाले। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी मोटिवेशन वीडियोस के बारे में जो है नॉलेज देता हूँ, और अच्छे अच्छे कुछ व्यापारी अच्छे अच्छे कुछ बातें आपको जो है इस चैनल के जरिए और अपनी एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपको जो बताने की कोशिश करता हूँ। आज आपको एक बार मैं फिर मिलवा रहा हूँ अजीत भाई, जो कि सूरत के अंदर इनका बहुत बड़ा एक बिजनेस है कपड़े का, और मेरे साथ में है। कैसे हैं सर आप? जी बढ़िया सर, बढ़िया। अजीत भाई, हमने पहले भी ऐसी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी और कुछ बिजनेस करने के बारे में हमने नॉलेज दी थी, और उस वीडियो पे जो है लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को सराहा, बहुत प्यार दिया, बहुत यानी कि अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि एक बार दोबारा अजीत भाई के पास जाके कुछ और अच्छी अच्छी बातें उनसे हमें जो है जाननी है, हमें बताइए। तो उस हिसाब से सर, आज की वीडियो में आप मेरी पब्लिक के लिए सर क्या क्या बोलना चाहेंगे? सर बिजनेस, फर्स्ट चीज़ तो मैं बता दूं कि वो आपने बनाया था वीडियो, मैंने नहीं बनाया था, मैंने तो मेरे जो जीवन की बात थी जी, जिस टाइप से मैंने चालू किया वो चीज़ें बताई, लोगों को शायद पसंद आई होगी जी, उस हिसाब से था। अभी आज आप वापस आए हो, हाँ जी, तो आप बताइए मेरे को क्या चीज़ मैं बता सकता हूँ, अगर मेरी कोई चीज़ है जीवन की, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ सर जी, बांटने से कभी कुछ कम नहीं होता है। बिल्कुल, अगर कोई बंदा किसी की घर की दाल रोटी चल जाए मेरी कुछ बात से, तो मुझे कहाँ दिक्कत हो रही है सर उसमें। बिल्कुल सही बात, तो मेरी सोच तो ये है सर, कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी आपको कुछ बेनिफिट होता है तो मुझे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात से अगर आप मोटिवेट होते हो तो मुझे तो नहीं लगता है, बाकी होते हो तो सर अच्छी बात है सर। जी जी बिल्कुल सर, जी। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अपना अजीत भाई की यहाँ पर शॉप है श्री सावलिया सिल्क मिल्स के नाम से, एक मार्केट है रोहित एसी मार्केट सूरत के अंदर, और ये डील करते हैं अपना सूट साड़ीज अपना साथ में कुर्तीज वगैरह के अंदर, और बहुत अच्छे रेट्स में आप सभी को ये अपना प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में नॉलेज भी देते हैं। आप थोड़ा सा बिजनेस पर्पस के हिसाब से सर अगर बताना चाहें सूरत के लिए स्पेशली, कि अब सूरत में बिल्कुल ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, जो हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूबर्स आकर वीडियो बनाते हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स आते हैं, काफ़ी दुकानदार हैं अपने शॉप्स की वीडियो बनवाते हैं, और पब्लिक को भी काफ़ी वो चीज़ें अच्छी लगती है, पब्लिक भी उन चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट लेती है, आगे अपना अच्छे रेट पे ले जाके आगे बेचती है और मुनाफा कमाते हैं, और हमें बहुत प्यार देते हैं, दुकानदारों को बहुत प्यार देते हैं। तो उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें कि अभी क्या कुछ उसके अंदर और सुधार हो सकता है, या आपने क्या इस चीज़ से एक्सपीरियंस लिया है? बिजनेस अपन कोई भी करते हैं, सूट का चालू कर रहे हैं, साड़ी का चालू कर रहे हैं, कोई भी बहन है घर पे स्टार्ट कर रही है, मैंने पहले बताया भी था कि आप कमरे से घर से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल, उनकी फोटो में भी मंगवा लीजिए, बच्चे से फोटो नहीं भेज पाता बच्चा, मैं बोलता हूँ आपने कहीं से भी माल लिया, कहीं से भी परचेजिंग किया, अगर फोटो नहीं भेजता है, आजकल प्लास्टिक के स्टेचू आते हैं, हाँ जी, उन पर कुर्ती डाल दीजिए जी, अपने घर पे फोटो खींच लीजिए जी, और वो भैया को भी व्हाट्सअप कर दीजिए, बिल्कुल, वो भी जा रहे हैं साथ में तो अपने दोस्तों को भेज देंगे, बिल्कुल सबको भेज। अब इसमें होता क्या है, बिजनेस कैसे क्या सेट होता है जी,
जैसे आप मेरी वाइफ स्टार्ट कर रही है या कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, आपके घर पे कोई स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने हस्बैंड को भेजे, हस्बैंड ने अपने दोस्तों को फोटो में भेजी, हाँ जी, रात को वो अपने वाइफ को दिखाते हैं जी, फिर वही बोलती है इनमें से ये कलर मंगवा दो जी, सुबह भैया जा रहे हैं, भैया को टिफिन दे रहे हो आप, हाँ जी, टिफिन के साथ में अपनी चार कुर्तियां भी डाल दीजिए जी। तो इस तरीके अभी से इसमें लगा क्या साहब जी, इसमें लगा क्या? कुछ नहीं लगा, यानी भैया जा रहे हैं ऑफिस ड्यूटी पे, आपने उनको फोटो में भेजी, भैया ने दोस्तों को भेजी, हाँ जी, और दोस्तों ने रात को अपनी वाइफ को दिखा के उनमें से चार पांच सिलेक्शन की, बोले सुबह पीस लेके आना, हाँ जी, और भैया के साथ में पांच पीस टिफिन में डाल दिए जी, शाम के अपने 1000 रुपए खड़े हो गए जी, अपना क्या लगा? छोटी सी चीज है बिजनेस में, लेकिन बेनिफिट बहुत काम करती है। बिल्कुल, अपने रिलेशन वाले हैं सामने, शादियां आ रही है घर पे, उनको बेनिफिट से साड़ियां भेज दीजिए, आप सूट भेजना चाहते हैं उनको भेज दीजिए, वही जाके वो बाजार में 800 की चीज 1600-1700 में ला रहे हैं, हाँ जी, अगर आप उनको 1000 रुपए में दे दो, अवेलेबल कर दो जी, तो अपने घर के घर में ही 2 पैसे आपको भी मिल जावे, उस टाइप से भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस कपड़े के बिजनेस में आप नो डाउट कोई भी चीज का टेंशन मत लीजिए जी। मैं आज इसलिए मेरा मन भी था जुड़ने के लिए आप लोगों से, कि कई लोग मेरे से वापस रिपीट आ रहे हैं, हाँ जी, और मेरा एक सिस्टम है, मैं बात भी करता हूँ व्यापारियों से, हाँ, इस बार कईयों से बात नहीं कर पाया जी, बिजी होने के कारण जी। अगर आपका कहीं रुकता है, कोई काम रुकता है, बिजनेस रुकने का एक ही कारण होता है जी, अपन फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप फोकस करते हो, मैं बोलता हूँ कपड़े का नो डाउट, आप आंख बंद करके काम चालू कर दीजिए, फोकस करना है सबसे बड़ी चीज है जी। अगर आप फोकस करते हो 100% रिस्पॉन्स मिलेगा जी। उसमें होता क्या है, देखो हेमंत भाई, बिजनेस का एक मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी, मेरे को काम करना है, हाँ जी, अगर आप उसमें 100% नहीं दोगे तो कामयाब नहीं होगे। अब मैं मेरे धंधे की बताऊं, हाँ, मैंने कहां कहां से चीजें सीखी, आप लोगों से ही सीखी है, ऐसा कुछ मैं कोई ज्यादा सीख के नहीं आया हेमंत भाई, आज भी सूट घड़ी करना नहीं आता है, बिल्कुल, लेकिन बिजनेस कर रहा हूँ, 8-9-10 दुकान हैंडलिंग कर रहा हूँ जी, चला रहा हूँ, सूट की फोल्डिंग नहीं आती, फोल्डिंग मेरा करना जरूरी नहीं है जी, फोल्डिंग करने वाले कर लेंगे, अपने को क्या करना है, बिजनेस वो चीज होनी चाहिए। आज के मैंने मेरा बिजनेस कैसे सेट किया, हाँ, मैं आपको एक छोटी चीज बताऊं, हर छोटे व्यक्ति सीख सकते हैं, बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक दिवाली के दिन, आज के 7-8 साल पहले की बात है, मेरी हाँ बच्ची ने मेरे को बोला पापा फटाके लेके आओ, हाँ जी, तो मैं गया फटाके लेने हेमंत भाई जी, उस बंदे से, वहां पर सिटी लाइट गुड़दौर रोड पे पड़ता है यहाँ पर, हाँ जी, 25-40-50 काउंटर लगे हुए थे, ठीक है, तो मैंने वहां से कहने का मतलब है कि फटाके लिए, करीब 4-5 हजार रुपए फटाके लिए, उस बंदे ने मेरा फोन नंबर वगैरह नाम लिया बिल लिया, अपन भी दिमाग से बाहर निकल गया, ठीक है, तो मुझे तो वो हर साल खर्चा करना है, बिल्कुल। अब जैसे अगले साल आया ना, हाँ जी, अगले साल धनतेरस के 2 दिन पहले उस बंदे का मेरे पास फोन आता है, ठीक है, अजीत जी नमस्कार, मैंने कहा जी नमस्कार जी, सर मैं वो फटाके वाला बोल रहा हूँ जो पिछले साल, मैंने कहा भाई कौन, बोले 4,975 रुपए के आप फटाके लेके गए थे सर, हाँ जी, आप हमारे रेगुलर ग्राहक हो गए हो सर, इस बार भी हमारे यहीं आ जाना सर, वहीं पे काउंटर लगवाया है, अच्छा, 7 दिन के लिए हम काउंटर लगाते हैं, हाँ जी, तो सर वहीं लगाया, उसने एक बंदे ने फोन किया, लास्ट में उसने बोला सर अभी आप हमारे रेगुलर हो गए इसलिए 10% डिस्काउंट भी है, अच्छा, अभी उसने बिजनेस की 2 तरह की हैंडलिंग है साहब, दो तरीके से हैंडलिंग किया मुझे, हाँ जी, उसने मेरे को, मुझे ऐसा लगा उस बंदे ने मेरे को इज्जत दी, बिल्कुल, एक्सपीरियंस मुझे मेरी भावना से ऐसा लगा, हिंदुस्तान में 2 तरह के व्यापारी हैं साहब, हाँ जी, एक को इज्जत चाहिए जी, एक को रेट चाहिए, बिल्कुल, अपने को दोनों को पकड़ना है जी, रेट चाहिए उसको रेट दीजिए, इज्जत चाहिए उसको इज्जत दीजिए जी, बिल्कुल। अब उसका फोन आया ना हेमंत भाई, मुझे ऐसा लगा कि यार उस बंदे ने अपने को इज्जत दी है, लेकिन उसने अपने दिमाग से दोनों बातें दी मेरे पास में, बिल्कुल, कोई इज्जत से आने वाला इज्जत से आएगा, लालच से आने वाला लालच से आएगा, डिस्काउंट भी दिया साथ, लेकिन मैं गया उसके पास उससे, और मैं आज भी उससे ही ला रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, एक रिलेशन बन जाता है, रिलेशन सर, एक फोन कर दीजिए अपने जो भी कस्टमर, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जी, कितने व्यापारी अच्छे हैं, कितने मीडियम क्या बात हुई है उनका मेंटेन कीजिए, नया स्टॉक आता है, आज आप 2 साल इस बिजनेस में करोगे तो कम से कम 300 नंबर होंगे आपके पास, एक शुरुआत होगी, एक मेहनत होगी, एक लगन होगी, हा? और एक थोड़ा समय जब व्यतीत होगा उस काम में, और ऑटोमेटिकली नतीजा मिलेगा सर। अगर आप उस टॉपिक पे जाओगे, मैं बोलता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको बिजनेस में फेल नहीं कर सकती जी, कोई ताकत नहीं कर सकती। अगर मैं एक फटाके वाले से सीख सकता हूँ कि वो बिजनेस कैसे करता है, मैंने मेरे धंधे में यूज किया, मेरे को 100% बेनिफिट है। आप भी अपने व्यापारी से, व्यापारी है तो अपन है, नहीं तो अपनी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल, ये मान के चलिए आप, बिल्कुल, क्योंकि वही लोग हैं, उनको कम मार्जिन पे आप रेट दीजिए ना,
वो आपके घर पे आके लेके जाएंगे अहमद भाई। अपने कोई आप आएंगे बाजार में साला 25,000 दुकान भाड़े की लेके रिटेल चालू करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर से स्टार्ट करो, कोने में बैठो, 5,000 भाड़े की दुकान लो जी, 25,000 की मत लीजिए जी। अगर आप रेट सस्ता दोगे तो व्यापारी वहां आके भी लेके जाएगा, अच्छा व्यवहार रखोगे तो वहां आके भी लेके जाएगा। बिल्कुल, बिजनेस एक्चुअल में हेमंत भाई चलता है, लोगों के दिमाग में आता है, लोग बात करने का तरीका नहीं है, गुस्सा कर रहे हैं। एक बात बताऊं, कोई व्यापारी कस्टमर भाव करके जा रहा है उस पर गुस्सा कर रहे हैं। रिटेल वाले ऐसे कई माइनस पॉइंट होते हैं जिससे बिजनेस हैंडलिंग नहीं होता जी। गुस्सा मत कीजिए जी, वो व्यापारी है, आज नहीं लेके जाएगा कल लेके जाएगा। बिल्कुल, लेकिन लेके जरूर जाएगा हेमंत भाई। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को उसी हैंडलिंग पे ले जाइए, हर कस्टमर के टचिंग में रहिए, उनसे फोन कर लीजिए, अच्छे कस्टमर है। देखो मैं आप एक छोटी सी चीज बताऊं, मेरे को हर साल 5,000 के फटाके लाने थे बेचने, ऐसे बहुत सारे व्यापारी है हिंदुस्तान में जिनको ईद ईद पे अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, उनको 5,000-10,000 पूरे करने हैं, वो हर साल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा कौन सा है जी। यानी मुझे उसका फोन आया, मैं गया वहीं पर ही। बिल्कुल, क्योंकि उसने मेरे को याद किया जी कि यार, मैं ऐसा समझा उसने याद किया, मेरे को तो 5,000 फेंकने हैं, कहीं भी फेंकना हो बिल्कुल हर साल फेंकना है। बिल्कुल, ऐसे मेरे जैसे हजारों बंदे घूम रहे, अपने को तो उन्हीं को तो पकड़ना है। बिल्कुल, मुझे पता नहीं फटाके कहाँ से लेने, उस बंदे को पता है मेरा वो व्यापारी है, वो हर साल 5,000 का लेता है। अपने को यही तो बिजनेस में करना है, और करना क्या, दूसरी क्या चीज है। अपने कस्टमर को पहचानना और एक नॉलेज होना सबसे बड़ी चीज हेमंत भाई, वही चीज है। अगर आप कस्टमर को पहचान पाए, ये छोटी छोटी चीजें है बिजनेस की जी। आप कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे 100% सक्सेस होगा। कई व्यापारी कैटलॉग लेके जाते हैं बंदे, कई लोग मेरे से नहीं लेके गए होंगे, किसी से भी लेके होंगे, कैटलॉग रुक जाता है, बोले अजीत भाई 5 पीस तो बिक गए, 5 नहीं बिक रहे पड़े हैं जी। अब छोटी चीज बताऊं सर, कैटलॉग होता है जी। अब कई व्यापारियों को रुक जाता होगा शायद, आज आप मेरे को देख रहे होंगे, आप ये चीजें ध्यान दो, इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजें हैं बिजनेस में, वो चीजों पे ध्यान देते हो। कैटलॉग का 12 पीस का कैटलॉग आता है, हर जगह के फेवरेट कलर होते हैं 4-5। ठीक है, ठीक है। अब आप उसको दिखाते हो, 4 पीस उसमें से बिक गए। हाँ जी। अब वो कैटलॉग दिखा रहे हो आप उनको, और ग्राहक दूसरा आ रहा है वापस, आप कैटलॉग दे रहे हो, तो उसकी उंगली वहीं जा रही है ग्राहक की। फिर आप बोलते हो उसको, सर ये तो बिक गया। अरे तो बिक गया तो फिर उसके दिमाग में क्या आता है, अच्छा माल तो बेच दिया, बकायदा अपनी एक ही रेट है, वो उसको पता नहीं अपने को पता है, सब एक ही टाइप के पीस है, लेकिन अच्छे पीस उसके दिमाग में ऐसा आता है कि बेच लिए हैं, ये उसके दिमाग में आ गया, फिर उसकी तो आपकी पूरी दुकान में कुछ भी दिखा दो उसको, कुछ नहीं, नहीं लेके जाएगा। इसके बजाय जैसे 5 पीस बिकते हैं, केटलॉग को फाड़ के फेंक दीजिए जी। कोई अपने मतलब का ही नहीं है, डायरेक्ट केटलॉग के अंदर फोटो आती है, बैक पैकिंग में आता है, फोटो से माल दिखाई जी। छोटी सी चीज है बिजनेस में, काम इतना आएगी आपके, आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, मेरी बातों पे नहीं, मैं तो बातें कुछ भी बोलता हूँ, मैंने तो ये सब चीजें यूज की मेरे काम में। यानी कहने का मतलब है, मैंने भी मेरे छोटे भाइयों को रिटेल काउंटर लगवाए हैं जी, मुझे पता है रिटेल पे एक एक सूट बेचना कितना मेहनत का काम होता है, बहुत छोटी चीज है। नहीं होती है हेमंत भाई, बहुत मेहनत होती इन छोटे छोटे टॉपिक पे ध्यान दीजिए आप, बिजनेस ऐसे आगे बढ़ेगा। आप व्यापारी से टचिंग में रहिए, व्यापारी को फोन कर दीजिए, हेमंत भाई व्यापार से व्यापार जुड़ता है। बिल्कुल, एक से दो होते हैं, दो से चार। मैं आपको ताजुब की बातें बता दूं सर, मेरे पास एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है जी। आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस जीवन का बता सकता हूं, मैंने मेरा व्यापार कैसे सेट किया। हाँ, मैं आपको तत्काल लाइव एक 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 चीज बताता हूं। एक बंदा, क्या नाम, सिकंदराबाद से आए थे। हाँ जी, शफीक भाई, रफीक भाई, सॉरी सॉरी, हाँ शफीक भाई नहीं, रफीक भाई, रफीक भाई आए थे। वो बंदे मेरा मोटिवेशनल वीडियो देख के आए। हाँ जी। वो बंदे मेरे को ये बोल रहे थे, अजीत भाई मैं 12 महीने से काम करने का सोच रहा था। ठीक है। तो हमारे मेन बाजार है, वहां पर पूरे मुस्लिम ग्राहक हैं। हाँ जी। तो मैंने ऐसे सोचा कि यार मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए पड़ा है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, मैं वीडियो वो देख रहे थे काफी, जैसे मोटिवेशनल वीडियो देखा, उन्होंने बोला अब इस बंदे के पास चलेंगे जी। वो यहाँ सूरत आए, अब उनका एक्सपीरियंस उसने क्या बताया मेरे को, अब ऐसे ही सीखने मिलती है हेमंत भाई जी। उसने बोला अजीत भाई मैं 1.5 साल पहले व्यापार कर रहा था जी, और मैंने 1.5 लाख रुपए मेरे पास तब से पड़े हैं। ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही व्यापार स्टार्ट करने वाला था, मैंने मेरे एक दोस्त को पूछ लिया कि यार मैं ये घर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जी। तो दोस्त ने मेरे को बोला तू ऐसा करना, वो बाजू में अपने दुकान वाले हैं निजाम भाई जी, उनको जाके मिल लेना। तो उसने बोला क्यों, बोले साला उनका तो दुकान पे बोनी नहीं हो रहा है, तू घर पे बेचेगा। यानी उसकी कहने का मतलब, उसको नेगेटिव विचार दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि आदमी हिंदुस्तान में नेगेटिव वाले बहुत मिलेंगे सब। हाँ, काम करने से पहले ही दिमाग में इतनी बातें आ चलती हैं इंसान के कि क्या होगा,
कैसे होगा, जो जी नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। जी तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी पता है कि इन चीजों के पीछे वो नहीं भागते हैं, नहीं जो भागते पुराने सोच वाले हैं जी जी वो इन चीजों को सोचते हैं, सोचते हैं और वो अच्छी बात भी एक एक्सपीरियंस है, एक जी अपना जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें हमारे घर वाले जो सिखाते हैं हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। मगर आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो काफी यानी कि गर्म खून होता है जी और कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ इच्छा करने का होता है जोश होता है। जैसे कि मैं भी हूँ, हर महीने सूरत आता हूँ, अकेला सूरत आता हूँ और आप सबके लिए इतना यानी कि अच्छा अच्छा कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको भी मैं कुछ ना कुछ अपने कुछ अच्छे मैसेज आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन बहुत स्कोप है इस लाइन की, आपको पता भी नहीं चलता है। आप रात को एक पिक्चर अपनी फेसबुक पे अपलोड करते हैं, सुबह हजारों लोग उस पिक्चर को देखते हैं और देख लाइक लेते करते हैं, देख लेते सिर्फ आपका मुश्किल से 1 मिनट का वो काम होता है जो आप वो काम करते हैं, और आपको हजारों लाखों लोग फेसबुक पे देख लेते हैं। ऐसे आप इस बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में अगर अपना पूरा अगर आप तरीके से काम करते हैं, अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, अगर आप दिमाग से काम करते हैं, स्मार्ट अगर आप वर्क करते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है जी और जी एक बिजनेसमैन जो सारा दिन एसी में बैठ के कुर्सी पे वो भी मेहनत करता जी है। जी अब हेमंत भाई हुआ क्या, जी उसने उसको नेगेटिव विचार दे दिया जी तो उसकी हिम्मत टूट गई। यानी आजकल राय लेने की जरूरत नहीं, अपने को काम करना है जी, किससे क्या राय लेनी। अब उसने क्या किया, फिर बाद में मोटिवेशनल देखा तब आया वो सूरत। अच्छा तब मेरे यहाँ से करीब उन्होंने रफीक भाई ने 1-1.5 लाख रुपए का माल निकाला। जी तब मैंने उनको बोला, वो भैया जिन्होंने ना बोला ना, तो उसने मेरे को पूछा कैसे क्या बेचना, मैं सब चीजें बताई उनको। मैंने कहा उन भैया को ये फोटो में भेजो, जी और मैंने उनका यहाँ पर जितने रिलेशन थे उनको सबको फोटो में भिजवाई। ठीक है, उनके 30,000 का माल मैंने यहीं पर बिकवा दिया था। अच्छा यानी कहने का मतलब उनको कॉन्फिडेंस में लाना था मुझे। मैंने उस बंदे को भी 4 सूट दिलवा दिए जो बंदे ने उनको नेगेटिव विचार दिया नेगेटिव था, विचार दिया था। कि यहाँ निजाम भाई के तो बोनी नहीं हो रही है, तू साला घर पे बेचेगा। तो ये चीजें नेगेटिव चीजें लोग बैठ के कुर्सियां तोड़ देते हैं पूरे दिन फ्री बैठ के, बिल्कुल उनको करना करना कुछ नहीं बड़ी है। बड़ी दुकानें ले लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस अपने सेटअप कर लेते हैं, मगर सर जब करने की टाइम आता है, इच्छा होती है, तो वो काम नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं। नेगेटिव यानी हो जाते आप हैं। नेगेटिव पे मत जाइए, आप छोटे से बिजनेस पे शुरुआत, उतरना शुरुआत करो इन्वेस्टमेंट ना सर, क्यों लाखों करोड़ों की करनी है, अपना छोटी कोई मतलब नहीं इन्वेस्टमेंट है से सर। भी बड़े दिमाग से भी इंसान बहुत आगे जा सर सकता है। कम से कम खर्चे में, कम से कम मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, अगर कोई भी बंदा स्टार्ट करता है कम से कम खर्चे से स्टार्ट कीजिए। मेरे पास एक हरियाणा के कस्टमर आए थे, कृष्ण कुमार जी ऐसा ही कुछ नाम था। हाँ जी। वो आए थे बंदे, बोले अजीत भाई मेरे को तो साला मेरा नाम है, मैं अभी मेरे 15 दिन बाद में मेरे को शोरूम चालू करना है, मैंने मेरा दुकान है उस पर 10 लाख रुपए का फर्नीचर बनवा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा सर ऑर्डर दे दिया। हाँ बोले बस अभी यहाँ से 10 दिन माल जाने में लगेगा। हाँ जी। और 20 दिन बाद में काम चालू कर दूंगा। अच्छा। तो 15-20 दिन मेरा फर्नीचर हो जाएगा। मैंने उनको ये बोला आप पहले उस फर्नीचर वाले को ना बोलो। अच्छा। कि मेरे को नहीं बनाना है। अच्छा सर शोरूम बना के क्या करोगे 10 लाख इन्वेस्ट करके उसमें, इसके बजाय आप लोहे के घोड़े बनवा लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बिल्कुल सस्ता काम कीजिए जी। मैं बोलता हूँ कपड़ा जो ना अपने को शोरूम थोड़े दिखाना है किसी को, कम से कम खर्चे पे इन्वेस्ट बिल्कुल आज कम के होना समय चाहिए। एक कस्टमर जो होता है कस्टमर को एक वो तो अच्छे अगर रेट से हेमंत भाई वो जी 2 लाख अपन उस फर्नीचर में लगा उसके बजाय वो कपड़े में लगा हुए तो बिल्कुल ज्यादा बेटर है, उसका दिखेगा बेनिफिट, वो आइटम कस्टमर को बेनिफिट दो वो ज्यादा दिखेगा जी, वो सब चीजें दिखेगी। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस है हेमंत भाई, छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देते हो बिजनेस ऐसे आगे बढ़ता है, अपने खुद को पता नहीं लगता। व्यापारी से व्यापारी जुड़ता है सर, अपने को खुद को अंदाज नहीं किधर से व्यापारी आ रहा है किधर से। अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छे से अच्छा बात कीजिए, अच्छे से अच्छा कहने का मतलब है अपने को माल देना है उनको, रेट वाइज देना है, और कुछ नहीं करना है कि अपने को और कुछ नई चीजें करनी, कुछ नहीं करना। आप उनसे अच्छे से बात कीजिए, अच्छी सी रेट दीजिए जी, वो ऑटोमेटिक दौड़ के आएंगे आपके पास। एक्चुअल में बिजनेस ऐसा बढ़ता है मन भाई, बिजनेस में आपको एक छोटी सी चीज बताऊं जी, अभी लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। दिवाली के पहले मेरे एक बैंक वाले थे सिटी यूनियन वाले, उन्होंने बोला अजीत भाई मेरे को 4-5 सूट चाहिए। ठीक है। तो प्रदीप भाई का हमारे पास फोन आया था, तो मैंने प्रदीप भाई को बोला कि यार, प्रदीप भाई बोले अभी तो बहुत बिजी शेड्यूल है 4-5 सूट। मैंने कहा यार वो मैनेजर साहब है अपने मित्र हैं, पहले उनके अकाउंट में काम भी था, बुला लीजिए उनको 7 बजे बाद बुला लीजिए। तो प्रदीप भाई ने बोला बहुत बिजी शेड्यूल है, मैंने कहा तो बुला ले। 7 बजे आए थे यहाँ पर, यहीं पर ही बैठ गए, 5-6 सूट लिए थे, आधे घंटे हमारी बातचीत हुई, चाय पानी पी के निकल गए जी। बोले अजीत भाई 5 साल बाद मिले तो भी यार अच्छा लगा जी, चले गए। अब हेमंत भाई लापाचम की बता रहा हूँ, जब दिवाली पे खुला मार्केट, हाँ जी, उनका फोन आया मेरे पास कि अजीत भाई मेरा तो बैंक में ड्यूटी रहता है और मेरे साले जी को दुकान चालू करनी है केरला के अंदर जी, तो आप उनको हैंडलिंग कीजिए। अच्छा। वो 2.5 लाख रुपए का माल लेके गया। मैंने क्या बेचा था,
चार सूट बेचा था, मेरा होलसेल का काम है, लेकिन मैंने एक रिलेशन पर्पज के हिसाब से उनको चार पीस भी दिए। मेरे पास व्यापार क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास केरला से भी व्यापारी आएगा, 2.5 लाख रुपए का माल लेके जाएगा। मैंने तो मैनेजर साहब को घर के लिए वाइफ के लिए सूट चाहिए थे चार, मेरा शेड्यूल निकाल के और चार सूट दे दिया जी। अब बताओ बिजनेस कैसे जुड़ा। तो यही ये लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास हजारों हैं। बिजनेस करने की यही एक स्ट्रेटजी होती है, ये एक माइंड होता है, वो धीरे धीरे इंसान जब करता है तभी वो करता है। आपके पास खुद के पास व्यापारी जुड़ेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नंबर होने चाहिए, फोन नंबर उनसे उस टाइप से अटेंड कीजिए, आप उन व्यापारियों से जोड़िए। प्लस कहने का मतलब है अपन उनको व्हाट्सएप पे फोटो भी डाल सकते हैं अपने ग्रुप सर्किल दोस्तों में, अभी जैसे हेमंत भाई ने बताया था वो भी चीज बढ़िया, फेसबुक पेज वाला बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा ऑनलाइन। आज का समय आप फैसिलिटी क्या दे सकते हो कस्टमर को, जैसा युग है जैसा जमाना चल रहा है उसी के हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। हेमंत भाई आगे जो समय आ रहा है ना, मैं आपको एक्चुअल में बताऊं ना, मैं आज पिछले 17 साल से एक ही जगह से रेडीमेड लेता हूं जी, वो बंदे से लेता हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे टाइमिंग नहीं है। ऐसे बंदे बहुत सारे हैं, अपना काम टाइमिंग का है। हाँ जी। अगर आप घर पे बेच रहे हो, दुकान बेच रहे हो, आप टाइमिंग दे सकते हो साहब, बंदे को सामने वाले को टाइम नहीं है। अभी दिवाली पे मेरे को रेडीमेड लाने की जरूरत नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है। मैं जहाँ से लेता हूँ उसका मेरे पास फोन आया, अजीत भाई दिवाली का कलेक्शन आ गया, आए नहीं। मैंने कहा भाई टाइम नहीं। उसने घर पे 10 से 12 जोड़ी भेज दी मेरे को रात को। अच्छा, यानी अजीत भाई उनमें से पसंद कर लो। मैंने उनमें से 4 जोड़ी पसंद कर ली, दूसरे दिन उसका बंदा आया, पैसा भी लेके गया और वापस रिटर्न माल भी लेके गया। अच्छा, उसने फैसिलिटी दी ना, मुझे जाने का टाइम नहीं है साहब। ऐसे बंदे भी बहुत हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं। अपना तो काम भी वही है जी, अपन टाइम दे सकते हैं। आप घर से निकलिए, भैया के साथ भेज दीजिए, आप खुद जाके लेडीज को घर पे जाके दे सकते हैं। समय यही आने वाला है, आप बैठे बैठे सर्विस क्या दे सकते हो। आने वाला समय इसी प्रोसेस पे है, इस प्रोसेस पे आप मेहनत करोगे 100% रेस्पॉन्स मिलेगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, घर बैठे खाना मिल जाता है। भाई मैंने छोटे छोटे आपको टॉपिक बताया ना, अगर आप कहने का मतलब है कोई से भी हिंदुस्तान के कोने में काम कर रहे हो, चाहे आपके पास हिंदू ग्राहकी है चाहे मुस्लिम ग्राहकी है, वो टेस्ट देना मेरा काम है। मैं आपको हर चीज सेटिस्फेक्शन करके दूंगा, हर चीज बताऊंगा। आप कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करो, मेरे से 10 मिनट आपका कीमती समय मुझे दीजिए, मैं उस 10 मिनट में आपको ऐसा मोटिवेट करूंगा, ऐसा रेडी करूंगा कि आप अपना बिजनेस कोई से भी कोने में स्टार्ट कर सकते हो, कैसे भी माल बेच सकते हो। बस मकसद एक ही है, भावना एक ही होनी चाहिए, बिजनेस कम से कम मार्जिन का होना चाहिए। लोग बोलते हैं ये 250 का चीज ले जाओ सर, साड़ियां दिखाते हैं कई लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं सर, 250 500 में बिक जाएगी। हाँ जी। वो बेवकूफ है, मैं तो उनको मेरे एक्सपीरियंस से 19 साल का एक्सपीरियंस है मैं मूर्ख मानता हूँ सर। बिल्कुल, ऐसा गला थोड़े काटना है सर, आप 250 की चीज 500 में दोगे वो एक बार ले जाएगा, एक बार नया है सब, दूसरी बार नया थोड़े, दोबारा वो 250 रुपए की चीज कहाँ से मिल रही है वो सर। बिजनेस को आप हैंडलिंग करते हो मार्जिन कम से कम। अगर आपको आगे बढ़ना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, सामने ईद आ रही है, अगर आपको ईद पे व्यापार, कोई बोलता है मेरे को दिवाली पे करना है, ईद पे करना, अगर आपको ईद पे व्यापार चालू करना है आज से आप सोचिए, ईद आ गई, हमने तैयारी ईद की आज से चालू कर दी है। दिवाली जैसे होती है खत्म, ईद की तैयारी चालू कर देते हैं। आज आप दुकान चालू करोगे तो वो ईद तक तब जम जाएगी, प्रोसेस में आएगी, प्रोसेस में आएगी, तो आप ईद का बेनिफिट ले सकते हो। सामने कोई भी काम करते हो आज से सोचना पड़ेगा। हेमंत भाई व्यापारियों के पास पैसे पड़े हैं, उनके दिमाग में आदमी भी है, बिल्कुल यार वो बंदा है वहां सेल्समैन नहीं कर रहा, उसको लगा सकते हैं, पैसा भी है, लेकिन सोच के डर जाते हैं करेंगे नहीं करेंगे। सर उसमें काम बिगड़ने वाला है कुछ भी सर, अगर आपके पास बंदा भी है, पैसे भी है, काम भी चालू करना है, तो मेरा जैसा बंदा भी बैठा है आपकी मदद भी कर सकता है। मैंने हजारों लोगों को तैयार किया, हजारों लोग आज तैयार होकर अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। अगर मुझे आप सूरत आते हो 10 मिनट दीजिए, मेरे से बात कीजिए, आपको स्टार्ट करना है कोई भी काम, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, जितना हो सके हेमंत भाई मैं मदद करूंगा। ठीक है, आप आइए नो डाउट और स्टार्ट करिए। व्यापार से व्यापारी जुड़ते हैं, एक एक्सपीरियंस लाइव और बता देता हूँ सर, रिलेशन बना के रखिए, सब जगह रिलेशन काम आता है, रिलेशन के बगैर कपड़ा नहीं बिकता है। अच्छा रेट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। आप मेरे को रेट सस्ता दे रहे हो, अगर आप में बात करने का मैनर्स नहीं है, आप नहीं लोगे सस्ता भैया, अपने व्यापारी को इज्जत चाहिए, इज्जत बहुत जरूरी है, आप उसको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ये सब चीजें बिजनेस में है। आप क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस टाइप से आप सोचोगे 100% रेस्पॉन्स मिलेगा। मेरे पास व्यापारी कैसे जुड़ते हैं, मैं आपको इन कड़ियों पे जो आज मैंने आपको टॉपिक बताया उनसे, फोन से जुड़ी है, व्हाट्सएप से जुड़ी है, हेमंत भैया ने बोला फेसबुक से जुड़ी, बिल्कुल इन टॉपिक पे आप जुड़ोगे, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, एक हरियाणा के व्यापारी आए थे जी,
पिछले 40 दिन हुए उनकी, शायद वो देख भी रहे होंगे तो सर देखना आप। उन्होंने सूरत आए थे 2 दिन के लिए अहमद भाई जी। वो मोटिवेशन ये लोगों के वीडियो देखे काफी सारे आ गए। अब उनको 2 दिन रुके यहाँ पर, सब जगह देखा, उनको कोई क्वालिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई वैरायटी नहीं मिल रहा है। बोले अजीत भाई वीडियो में क्या दिखा रहे हैं, मिल रहा है क्या? वो लास्ट में बोला कि यार ये इस बंदे का भी मोटिवेशनल देखा था। उनकी 7 बजे की ट्रेन थी, वो 2:30 बजे दोपहर में मेरे पास आए थे। वो आए बैठे, बोले दिखा दे भाई तेरे पास क्या है क्या नहीं। हरियाणा वाले क्या होता है कि वो बोलते ऐसे ही, उनकी लैंग्वेज वही है जी। सामने वाले को लगता है कि यार ऐसे कैसे है, तो कहने का मतलब उन्होंने बैठ के मेरे से करीब उन्होंने 70,000 रुपये का माल लिया। उन्होंने लास्ट में मेरे को बोला हमने तो ऐसा लगा हमारा 2 दिन का होटल का खर्चा ऐसे ही लगा। अच्छा, क्योंकि वो सब जगह जाके आए, उनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनको मेरी दुकान में वेरायटी भी पसंद आई, माल भी लिया, ठीक है। अब उनका 15 दिन बाद में कहने का मतलब वो चले गए, मैंने भी वापस बात नहीं की। 20-30 हज़ार का माल भी बिक गया उनका, ठीक है। मेरे पास हेमंत भाई रेलवे स्टेशन पे फोन आता, सर मैं असम से आया हूँ, आपका दुकान कहाँ पे? अच्छा, रेलवे स्टेशन उतर के बंदा फोन करता है मेरे को। तो मैंने कहा सर आप ऐसे करो, ऑटो वाले से मेरी बात करवा दो, यहाँ दुकान आ जाओ। तो दुकान आ गए। अब मैंने हरियाणा माल भेजा था साहब, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उन सब चीजों का। हाँ जी। वो बंदे आए यहाँ पर माल निकाला। हाँ जी। फिर मैंने कहा सर आप कहाँ से? सर बोले सर हम असम से। हाँ जी। तो मैंने कहा सर कैसे? तो बोले सर, मैंने कहा कोई व्यापारी ने एड्रेस दिया? हाँ जी। बोले नहीं नहीं सर। मैंने कहा यूट्यूब से आए? बोले नहीं सर जी। तो मैंने कहा बोले सर माल दे दीजिए ना, उससे क्या करना है। मैंने कहा ये भी बात सही है, माल ले लीजिए। फिर लास्ट में उन्होंने बताया सर एक हरियाणा के लेडीज जेंट्स माल लेके गए थे। मैंने कहा हाँ लेके गए थे, तो वो मेरे जिया जी हैं। अच्छा। अब वो एयरफोर्स में है। अच्छा। उनकी वाइफ कहने का मतलब एक वहाँ क्वार्टर वगैरह है उनके, सर्कल है, वो उनको वहां पर स्टार्ट करना था। अच्छा। तो 2.5 लाख रुपए का माल लेके गए। अच्छा। अब कहाँ हरियाणा है साहब, कहाँ असम है, यानी रात दिन का मैंने कपड़ा कहाँ भेजा था और कहाँ गया जी? मेरे अच्छे व्यवहार से गया। उन्होंने उनको क्या बोला कि तू सूरत जा रहा है, अगर तेरे को स्टार्ट करना कहीं भटकना मत जी, तू सीधा उसी, मैं भटका 2 दिन मेरा वेस्टेज गया, होटल का खर्चा हर चीज जी, तू उसी बंदे के पास चला जा। यानी व्यापार ऐसे जुड़ता है हेमंत भाई, वो अच्छे व्यवहार से आए ना, अब आएंगे वो मेरे कपड़े से आएंगे, जब आएंगे। रिपीट लेने आएंगे मेरा कपड़ा बिकेगा तब आएंगे। बिल्कुल। बाकी फर्स्ट बार मेरा व्यापार कैसे हुआ, मेरे व्यवहार से ही हुआ। बिल्कुल। मैंने तो 70,000 का कपड़ा हरियाणा भेजा था और मेरे पास 2.5 लाख का कस्टमर असम से आया था जी, बताओ। तो बहुत फर्क, बहुत जमीन आसमान का फर्क, कैसे कैसे क्या कड़ी जुड़ी पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चला। आपको भी नहीं पता होगी वो ऐसा होना। नहीं सर, ऐसे मेरे पास हजारों किस्से, मैं बताऊंगा आपका टाइमिंग होगा, बिल्कुल, इतना बिल्कुल, टाइमिंग बिल्कुल, भी नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब है अपना, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप आइए, बताएंगे आपसे, मिलिए, और आपको कुछ भी चाहिए हो कपड़े की लाइन में, लेडीज आइटम में सब चीजें आपको यहाँ से देते हैं, और ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी सप्लाई करते हैं जी, ऑल इंडिया, कहीं भी। मैं साड़ी मेंटेन करता हूँ, सूट मेंटेन करता हूँ, कुर्ती मेंटेन करता हूँ जी, यानी लहंगे वगैरह मेंटेन करता हूँ, सारी वैरायटी है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है जो सूरत बनती है, वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक बार फिर आज की वीडियो में अजीत जी ने बहुत अच्छी नॉलेज देने की कोशिश की, और कुछ और आपको जो है प्रोत्साहन दिया कि आप कुछ और, जो मुझसे पूछते हैं कि मैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं, काफी सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आप कपड़े का काम एक बार शुरू कीजिए। नॉलेज के लिए आपके साथ अजीत भाई यहाँ पर हैं, आप सूरत जब भी हैं एक बार आप इनसे आके मिलें जरूर। सर जी एक चीज और बताऊं सर, नो डाउट आप कहीं भी डरिए मत। हाँ जी, बिजनेस में ये डर के आगे ही जीत है सर। बिल्कुल। जीरो बैलेंस से निकला हुआ आदमी हूँ सर, आज इस लेवल पे हूँ, भगवान की दया से सब बढ़िया है। अपन कोई भी काम करें अच्छे मन से करेंगे, 100% रिस्पॉन्स मिलेगा, उस पर फोकस करना, कुछ नहीं करना साहब, अपने को ध्यान करना, दूसरा कोई काम करना नहीं, अपने को अपना व्यापार बढ़ाना है। आप उस टॉपिक पे जाओगे, बिजनेस कोई भी हैंडलिंग कर लोगे, कहीं भी दिक्कत आएगी आप मेरे से बात कीजिए, वो भी सपोर्ट करूंगा, ठीक है। आप आइए, नो डाउट एक बार विजिट करिए, परचेजिंग करना नहीं करना वो एक बाद का मैटर है सर, ठीक है। आप मेरे से मिलिए, अगर आपकी लाइफ सेट नहीं हुए तो फिर मेरे को बोलिए, ठीक है, ये चीज का गारंटी दे सकते हैं। और आपको सर ने बहुत पॉजिटिव लास्ट में बात बताई है, बाकी अभी के लिए चलता हूँ, यूं प्यार करते रहिए। कुछ भी जानना हो इनके, मैंने नंबर्स और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, शॉप का नाम, और बहुत अच्छा लगा एक बार फिर यहाँ पे आके सवलिया सिल्क मिल्क पे और अपना अजीत भाई से मिलके। जी सर, बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज देते हैं, लगभग अपना कीमती समय निकाल के, और अभी के लिए चलता हूँ, नई पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी अच्छी वीडियोस लाकर देता रहूँगा। कमेंट करके नीचे बताया करिए वीडियोस कैसी लगती हैं, और कैसे आप सभी के लिए मैं अच्छे अच्छे जो है वीडियोस ला पाऊँ, और यूं ही प्यार करते रहिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हेमंत जोन व्लॉग्स, बाय बाय।